हेलो राहुल, आपका स्वागत है। बात करेंगे एमपीएससी पेपर शुरू हुआ 30 शिफ्ट का, कैसा पेपर हुआ बात करेंगे। पेपर कैसा हुआ? मैथ के क्वेश्चन कैसे आए? दोनों इजी आए थे, मैथ और रीजनिंग सारे इजी आए थे। इंग्लिश थोड़ी सी टफ थी, हालांकि उसकी जो वोकेबलरी थी उसके ऑप्शन थोड़े से टफ थे। और बात करें जीएस की, जीएस काफ़ी इजी थी, 20 से 22 तो नॉर्मली अटेम्प्ट हो सकते थे उनमें से। टोटल क्वेश्चन अटेंड किया आपने? मैंने 46। आपको पेपर का लेवल कैसा लगा? पेपर का लेवल था मॉडरेट कह सकते हैं, इजी टू मॉडरेट। एक दो क्वेश्चन टफ थे, बाकी सारे ठीक थे। एलसीएम आया हुआ? हाँ, एलसीएम और यही रेशियो वगैरह, और सबसे ज़्यादा था टाइम एंड वर्क और परसेंटेज का, तीन तीन क्वेश्चन थे ये। बताना चाहेंगे जो आने वाले पेपर देने में बच्चे? वो वही है कि लेवल काफ़ी इजी है, अगर वो अच्छा करेंगे तो जिसने भी पढ़ा है वो तो श्योर है कि अच्छा करके ही आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। ओके, धन्यवाद, थैंक यू। आपका पेपर कैसा हुआ? अच्छा था जी। मैथ के क्वेश्चन कैसे लगे था? मैं नॉर्मल थे, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, अपने जो बच्चा ठीक पढ़ाई कर रहा है इतने। रीजनिंग भी ठीक है, कोई ज़्यादा इतनी हार्ड नहीं है। मीडियम है। इंग्लिश के क्वेश्चन कैसे? मीडियम है। इंग्लिश के क्वेश्चन सब कुछ मीडियम ही है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, थोड़ा बहुत है कोई क्वेश्चन। जीएस के क्वेश्चन? जीएस में थोड़ा हार्ड, नहीं तो सारे मीडियम ही है। जीएस में करंट से कुछ आ रही है क्या सर? करंट में कुछ आ रही है? करंट में सर नई चीज़ तो जो पढ़ाया गया सब कुछ वही है सिलेबस के अंदर का ही। टोटल क्वेश्चन कितने अटेंड किया आपने? मैंने सारे कर रखे हैं ऐसे तो 100 की अंदर। हाँ, वो तो सर बात ओके, धन्यवाद। हमें यूट्यूब चैनल सेलेक्शन में राहुल को सब्सक्राइब और शेयर करें, लाइक करें।